अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये था सुबह का टाइम, बल्कि सुबह नहीं, एक बजे का टाइम, क्योंकि जब से रमजान और ईद गुजरे हैं रूटीन ही नहीं बन पा रही है। वो इसलिए भी कि अलायने की स्कूलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, मेरी मियाँ की जॉब भी वर्क फ्रॉम होम है और यहाँ मैंने साथ ही एक नुकसान कर दिया था, पता ही नहीं लगा कब हाथ से गिर गया मैं। और नाश्ते में मियाँ की तरफ से फरमाइश आई थी फ्रेंच टोस्ट की, और मेरा तो दिल सैंडविच का, तो मैंने अपने लिए ही बना लिया। और मैंने लगानी थी आज मशीन, क्योंकि कपड़े काफी हो गए थे ईद के बाद से। धूप इतनी ज्यादा नहीं थी, हल्की सी धूप थी और बादल भी थे। बस फिर दिल से यही पुकार निकली कि आला बारिश ना हो। और यहाँ देखे कपड़े मशीन में इस तरह लड़ते हैं कि इनको छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, सच में इनको एक दूसरे से अलग करना मुश्किल फिर है। शाम में आप ही आई तो ये चाय के साथ समोसे ले आए थे। अच्छा, मुझे लाल वाली चटनी का कुछ समझ नहीं आता, इसलिए भी क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं। अच्छा, मुझे बस समोसों के साथ ना चने की तरकारी अच्छी लगती। फिर शाम की चाय के बाद मैंने बनाना था रात का खाना, और खाना मैं चाह रही थी कि ऐसा बनाओ कि कुछ जल्दी भी बन जाए, क्योंकि साथ ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और मशीन को तो आज हद ही हो गई। 4-5 घंटे गुजर गए थे और कपड़े धुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि कपड़ों के साथ साथ पर्दे और चादरें भी धुलने वाली थी। अच्छा, तो मुझे दाल नजर आई तो मैंने सोचा मूंग मसूर की दाल ही बना लेती हूँ, और कुकर में तो जल्दी भी बन जाती है। और थोड़ी सी कलेजी भी रखी थी तो ये भी बना ली। फिर रात 10 बजे जाके मेरे कपड़े धुले हैं और साथ साथ मैं किचन में भी आ रही थी, अपने काम भी देख रही। और आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी, तो मैंने रोटी नहीं बनाई, इनसे ही मंगवा ली थी बाहर, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से खाना भी बन चुका था। दाल बनाई थी तो मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए। अच्छा, मुझे चावल ना बहुत पसंद है, जिस तरह भी खिलवाए। और ये चीज देखिए, मैंने मोस्टली लड़कियों को चावल ही पसंद होता है। और यहाँ देखे दही वाली मिर्ची यम्मी, और दाल चावलों के साथ तो ऐसा मजा देती है। अच्छा, ये लाहौर में नहीं मिलती, कराची में ही मिलती है। तो ये थी पूरे दिन की कहानी, मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।